नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको मैक्रम सिखा रही हूँ। और मैक्रम में आज हम स्पाइरल नॉट वैसे पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन ये वाला जो स्पाइरल नॉट है ये स्क्वायर नॉट होता है, और स्क्वायर नॉट में स्पाइरल नॉट जो है वो किस तरह से बनती है। वैसे ये बिल्कुल स्क्वायर है, जो स्क्वायर नॉट होते हैं वो का वही है ये, लेकिन ये स्क्वायर नॉट में स्पाइरल किस तरह से बन जाता है, इसके लिए हम दो स्ट्रिंग्स लेंगे, बिल्कुल बराबर सी स्ट्रिंग ले लेंगे दो, और जैसे कि इसमें लगा रखी है हमने उस तरह से हम इसमें लगाएंगे, ऊपर से डाला और इस तरह से हम बीचों बीच में से जो ये स्ट्रिंग्स हैं ये एक निकाल ली, और इसी तरह से हम येलो कलर वाला जो है वो भी ऊपर से डाल के और इस तरह से हमने ये निकाल लिया। जैसे हम बिल्कुल इनको पास पास में कर देते हैं ये इस तरह से। अब जो स्क्वायर नॉट होती है सेम हमको वही बनाना है। स्क्वायर नॉट के लिए क्या करते हैं हम हमेशा ही कि ये फोर का इस तरह से बनाया, और ये जो है बीच की दो हम एज इट इज़ रहने देंगे, लेफ्ट वाले को इस तरह से किया, राइट वाले को एक के ऊपर एक लिया, और इस वाले को हम जो राइट वाला है वो हम इधर से निकालेंगे इस तरह से। इधर से निकालने के बाद में हम इसको टाइट कर लेंगे और थोड़ा सा फिट कर लेंगे इसको बिल्कुल पास पास में लाके एक बार, ठीक है। अब वैसे क्या होता है कि अभी एक बार इधर से लिया हमने तो अब हमको इधर से लेना था, लेकिन इसमें क्या करना है हम सिर्फ राइट साइड को ही सबसे पहले लेंगे और लेफ्ट साइड को ही सबसे पहले लेंगे, और राइट साइड वाला जो है वो हम जो लेफ्ट वाला भाग है उसमें से निकालेंगे। सेम जैसे पहले किया था वैसे की वैसे ही अभी कर रहे हैं, वापस से लेफ्ट वाला जो है पहले लेंगे और राइट वाला ऊपर से अंदर की तरफ जाएगा। आप देखेंगे कि हर नॉट में, मतलब प्रत्येक नॉट में हम पहले लेफ्ट वाला ले रहे हैं, फिर राइट वाला ऊपर से जाके अंदर की तरफ लेफ्ट साइड के खंड में से निकल रहा है। मतलब हमने ये वाला पार्ट लिया ही नहीं है, वापस से लेफ्ट लिया और जो राइट वाला है वो लेफ्ट में से निकल रहा है। अब जब हम इसको पूरा इस तरह से बनाते हैं तो आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल सीधा बना रही हूँ इस तरह से, लेकिन छोड़ूंगी तो ये टेढ़ा हो जाएगा, मतलब स्पाइरल, ठीक है। और स्पाइरल कैसा, स्क्वायर वाला। तो हम सिर्फ राइट वाला पार्ट पहले लेके, लेफ्ट वाला पार्ट सबसे पहले लेके और राइट उसमें से निकालेंगे। ये वाला जो है, ये वाला लिया हमने उल्टे हाथ का पहले ऊपर, और सीधे हाथ वाला जो तागा है स्ट्रिंग है वो निकालेंगे। हमेशा ही इस वाले हाथ में लेफ्ट वाला जो है, भले ही वो कोई सा भी कलर हो, तो लेफ्ट में अभी येलो है तो येलो पहले लिया और नीला जो है वो ऊपर से जाके नीचे से इसमें से निकल गया। अब की बार हम देखेंगे, लेकिन इसकी सेटिंग आपको बार बार में सीधी रखनी पड़ेगी और इसको बिल्कुल सेट रखना पड़ेगा कि खराब नहीं हो और गैप ना आए। अब की बार आप देख रहे हैं कि ब्लू आ गया, तो कोई बात नहीं है, ब्लू ऊपर आया है और फिर येलो इसके अंदर से निकल जाएगा इस तरह से। और वापस से हम इसको कोशिश करेंगे, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है इस पर, टेंशन बहुत आ रहा है इसलिए टेढ़ा हो रहा है, फिर वापस येलो आ गया तो येलो हम पहले लेंगे, फिर ब्लू जो है वो ऊपर से जाके अंदर की तरफ से निकल जाएगा। तो हम इसको बिना गैप दिए हुए, लेफ्ट में भले येलो हो या ब्लू हो, हमको लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो ही पहले लूप बनाना है। लेफ्ट वाले का लूप बनाया, राइट वाला पार्ट जो है ऊपर गया और अंदर से निकल गया। इस तरह से
हम एक ही तरीका अपना रहे हैं जो यहाँ से शुरू हुआ और अभी तक भी वही चलता आ रहा है। मतलब लेफ्ट वाला पहले लेंगे, राइट वाला जो है वो अंदर से ही निकलेगा। लेफ्ट में भले येलो वाला हो और भले ही ब्लू, अभी येलो है तो भी पहले लिया हमने और ब्लू वाला इसके अंदर से निकला। अब ब्लू आया तो भी हमने पहले इसको लिया और येलो इसके अंदर से निकला। इस तरह से हमको लेफ्ट वाले पार्ट को ही पहले सी जैसा बनाना है, फोर जैसा बनाना है, और राइट वाले में कोई सा भी कलर हो वो हमको ऊपर जाके और लेफ्ट के भाग खंड में से ही निकालना है। इस तरह से जब हम करते जाएंगे, एक ही तरफ से हम करते जा रहे हैं, मतलब हमने राइट वाले को कभी लिया ही नहीं, लेफ्ट वाला ही पार्ट हम पहले लूप बना रहे हैं हर बार, तो आप देखेंगे कि इसलिए उसमें इतना टेंशन आ रहा है। तो वो स्पाइरल, मतलब लपेटा, जिसको बलेटा या लपेटा बोलते हैं, तो वो बलेटा जैसा बल खा जाता है, मतलब बल खाया हुआ हमारा जो भी आर्टिकल बन रहा है वो बल खाया हुआ हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ से हम लेते जा रहे हैं और जो दूसरा वाला पार्ट है वो उसमें से निकल के और खाली नॉट बनाने के लिए मदद कर रहा है, और बीच की जो दो हैं वो एज इट इज़ चलती जा रही हैं क्योंकि वो तो हमारा बेस है। इस तरह से ये आप देखेंगे कि ये पूरा ही बन गया, करीब करीब ये पूरा बन गया। अब आपको यूं दिख रहा है कि ये एक सेम है, ठीक है, और ये जो पहले बना रखा है ये ऐसा है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये आप देखेंगे कि थोड़ी देर में जो है, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है, जो इसकी एक्चुअल नेचर होएगी, वो कुछ इस तरह की होएगी, इस तरह की, कि ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहना चाहेगा क्योंकि इसमें लपेटे हैं। और जो इसका एंड वाला पार्ट है वो हम, जैसे इसमें हमने चारों में अलग अलग मोती डाल के, इस तरह से मोती डाले और इनको अटैच कर दिया, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। जैसे ये किया है वैसे हम इसको भी कर सकते हैं। इस तरह से ये बन गया हमारा स्पाइरल नोट। स्पाइरल नोट सिंगल से भी बन सकता है, ये डबल कलर है, लेकिन डबल कलर में भी ये स्क्वायर नोट जो है, स्क्वायर नोट विद स्पाइरल शेप में बना हुआ है। थैंक यू।